ये पहले था, इसे तोड़ दिया गया, जो गर्डर्स थे, जो रेलिंग्स थे, उन्हें चोरों के द्वारा ले जाया गया है। सर ये जितनी भी गाड़ियां लगी हुई है लंबे समय से यहाँ पर है, तो इनके ऊपर कुछ जुर्माना किया जाएगा सर? हाँ वही मैं प्लान कर रहा हूँ अभी। मस्जिद के सामने खाली पड़ा ये जो जगह है, ये पार्क हुआ करता था किसी जमाने में, काफी अच्छा सुंदर जो है पार्क यहाँ पर रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है ये जर्जर हालत में चले गया और ये ढह गया। अब हमने जिम्मा उठाया है कि इसे हम जो है दोबारा बनवा के रहेंगे, इसीलिए हमने एक महीना पहले खबर के माध्यम से निगम कमिश्नर को अवगत कराया था। अब इसमें निगम कमिश्नर साहब तत्परता भी दिखा रहे हैं, महज कुछ मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगे और इसका निरीक्षण करने वाले हैं कि कब तक जो है इसका काम और कैसे शुरू किया जा सकता है। इसमें दिखाएंगे एक बार ये जो पार्किंग है, ये जो गाड़ियां है, ये देखिए, ये बिना परमिशन के अवैध रूप से यहाँ पर गाड़ियों को लगा के रखा गया है। ये जो है जगह है, ये वो जगह है जहां पर कभी पार्क हुआ करता था शहरवासियों के लिए, छोटा सा पार्क था, बुजुर्ग लोग यहाँ पर आके बैठते, फवारा लगा हुआ था पानी का काफी अच्छा। हमारे साथ यहाँ पर जो है एक शहरवासी से थोड़ी चर्चा करेंगे। सर यहाँ पर किसी जमाने में जो है पार्क हुआ करता था कहा जाता है, कैसा रहा होगा यहाँ पर पार्क, कैसी व्यवस्था यहाँ पर थी होगी? पार्क में बकायदा लोहे के गटर लगे हुए थे, फूल पौधे भी थे। आइए देखिए ये जो पौधा था ये इतना बड़ा पेड़ बन गया, लेकिन बाकी सब छोटे पौधे जो थे वो समाप्त हो गए। क्यों ऐसा हुआ ये पता नहीं, गर्डर चोरी हो गए, उसके बाद लोगों ने यहाँ अपने मटेरियल रखने लग गए कि यहाँ से हम अपना मकान बनाएंगे। देखिए सामने मकान भी बन रहा है। सर क्या लगता है यहाँ पर पार्क होना चाहिए? ये पार्क नितांत आवश्यक है। देखिए हमारा शहर जो है ना चौक चौराहों का शहर, और यदि कोई भी शहर दूसरे शहर से आते हैं और वो जब देखते हैं कि अरे वाह इतना अच्छा शहर, हर चौक पे एक फव्वारा भी है और गार्डन भी है, ये व्यक्त करता है कि शहर के लोग पर्यावरण प्रेमी कितने हैं। जी हाँ ये बिल्कुल दिखाता है कि अगर पर्यावरण प्रेमी कोई शहर है, स्वच्छता के मामले में भी आगे है, तो फिर ऐसे में जो है ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं इन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जो पहले से थी उन्हें दुरुस्त किया जाए। नया बनाने से अच्छा जो है जो पहले से है उसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ऐसे भी दिखाई, इस और दिखा दीजिए ये जो पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है, अवैध तरीके से लोगों ने जो है अपनी दुकानों का जो है गाड़ियां ला के यहाँ पर लगा दिया है, लोगों ने मटेरियल डंप कर रखा हुआ है, ऐसे गाड़ियां पार्क हो रही है। और सामने एक तो जो है इधर स्कूल है सर, है ना, स्कूल है, ऐसे में जो है जब बच्चे यहाँ निकलेंगे शायद उनके लिए अच्छे एनवायरमेंट हो, यहाँ पर अच्छा एक बगीचा हो, फूल हो। सही कह रहे हैं आप कि ये एनवायरमेंट बच्चों के लिए अच्छा है, जब इतने छोटे छोटे बच्चों की स्कूल बन गई है, उन बच्चों को पर्यावरण जो शिक्षक है वो बता सकता है कि देखो पौधे कैसे बड़े हो रहे हैं। ये यहाँ पर यदि गार्डन बनता है मैं समझता हूँ सबसे अच्छा रहेगा। शहर में ऐसे और क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट की आवश्यकता है, लगातार इसमें जो है प्रशासन काम भी कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह को भी जो है डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले था, इसे तोड़ दिया गया, जो गटर्स थे, जो रेलिंग्स थे, उन्हें चोरों के द्वारा ले जाया गया है। अब देखते हैं निगम कमिश्नर साहब कितने देर में यहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ चर्चा में निकल के सामने आता है और क्या कुछ व्यवस्था कब तक यहाँ पर की जा सकती है। ये जो पार्क की जमीन है, निगम साहब का कहना है कि 2 दिन के अंदर जो है इसे खाली करवाया जाएगा, और कोई अग्रेसन समाज के द्वारा जो है इस पार्क को डेवलप करने की जो है बात कही जा रही है, उनके द्वारा जो है निगम में आवेदन भी दिया गया है कि हमारे द्वारा इस पार्क को डेवलप किया जाएगा। सर किसके द्वारा जो है आवेदन किया गया है यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए? समाज ने आवेदन दिया, यदि वो डेवलप नहीं करते हैं, उन्होंने खुद से कहा है कि हम लोग अपने फंड से डेवलप करेंगे, नहीं करते हैं तो फिर हम निगम की ओर से कर लेंगे, क्योंकि अभी शासकीय जमीन है और इस पर यदि कोई यदि पार्किंग अवैध पार्किंग कर रहा है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। सर ये जितनी भी गाड़ियां लगी हुई है लंबे समय से यहाँ पर है, तो इनके ऊपर कुछ जुर्माना किया जाएगा सर? हाँ वही मैं प्लान कर रहा हूँ अभी, कितने दिन से रखा गया है, अभी तो हम देखते हैं कि किनका है और फिर किस स्तर पर किस आधार पर रखा है यहाँ पास, उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और इसको डेवलप करेंगे। और क्योंकि मेन रोड है और सामने स्कूल भी है ना, और तिकोना भी है अच्छा, इसको सौंदर्यीकरण से किया जा सकता है और इसका प्लान हम कर रहे हैं। काफी अच्छा इम्पैक्ट जो है पड़ेगा अगर यहाँ पर ये पार्क बन जाता है, क्योंकि स्कूल आसपास पड़ता है, ये त्रिकोणीय जो है यहाँ पर चौक पड़ता है और इस और जो है कई समाज के भवन भी हैं, ऐसे में जो है जब स्कूल से बच्चे निकलेंगे तो उनके लक्ष्य से एनवायरमेंट यहाँ होने वाला है, और हम प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं कि यहाँ पर बन जाए, चाहे वो जो कि समाज के संगठन के द्वारा इसे डेवलप किया जाए या फिर निगम के द्वारा डेवलप किया जाए, लेकिन अगर डेवलप हो जाता है तो ये जो है हमारे लिए बड़ी जीत होगी।